हेलो गाइस, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। स्वागत है आपका कुक कुक क्रिएट पे, आपका अपना प्रोफेशन चैनल। तो इस बार ये वीडियो है साड़ी रेप पे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड था। आप लोग इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। बट मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ। अब कोई रोना गाना बहाने वाने नहीं बताना है मुझे, क्योंकि यू नो नहीं बन पाया, नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने फाइनली ये वीडियो बनाया है एंड मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं इतना लेट इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो ये ट्रिक है जो आपने सजेस्ट किया ये इतनी अमेजिंग है, ये मुझे करके ही पता चला। आप अभी देखोगे वीडियो में आगे, तो आप जैसे कि नाम से ही समझ सकते हो कि एक पेटीकोट नहीं दो पेटीकोट पहनना है, टैग क्या डबल पेटीकोट। लोगों की वीडियो देखे क्या किस टाइप की वीडियो है थी, तो उन लोग एक पेटीकोट की जगह दो पेटीकोट पहन रहे थे। तो आई थॉट कि हाँ ओके, तो इसमें मैं पहन के क्या दिखाऊं, लाइक कुछ इसमें नया क्या होगा। जब मैंने ये वीडियो किया, जब मैं शूट किया मैंने इसके लिए, तब मुझे पता समझ में आया कि देखने बोलने और करने में कितना अंतर होता है। वो लोग वीडियो में कह रहे थे कि इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है आपकी साड़ी का। आई वाज लाइक कि हाँ कैसे बढ़ेगा, बट जब मैंने सही में देख लो आप, ये एक पेटीकोट पहना और ये एक पेटीकोट पे साड़ी का देख रहे हो आप मैं कैसी लग रही हूँ, और जब मैंने दो पेटीकोट पहने, एक के ऊपर दूसरा पेटीकोट, और फिर नॉर्मली जैसे साड़ी को ड्रेप करते हैं वैसे साड़ी को ड्रेप किया, तो फिर जो लुक आया ना वो टोटली अलग था। मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही थी, हाँ, क्योंकि ये जो है ना सही में वॉल्यूम बढ़ा रहा था। जब मैंने एक पेटीकोट में साड़ी पहनी और जब दो पेटीकोट में साड़ी पहनी, तो बहुत ज़्यादा अंतर था, आप खुद देख सकते हो। तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, उन पर कमेंट कर रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो एंड यू नो रिक्वेस्ट कर रहे हो वीडियो। तो सबसे पहले मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई थी मेरे साड़ी रैपिंग वाले वीडियो पे, जो मैंने गणेश चतुर्थी पे किया था, धोती साड़ी वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई तो आई वॉज लाइक कि ओके हाँ नाइस आइडिया, करते हैं। फिर रिक्वेस्ट आई तो आई वॉज लाइक हाँ ये करना है, एंड फिर रिक्वेस्ट आई तो ओ माय गॉड, मैं खुद को स्टॉप ही नहीं कर पाई, इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए थे आप लोग के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही करते रहिए, जो भी आपको लगता है रिक्वेस्ट आप चाहते हो कि मैं करूँ, बिना कोई झिझक के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना यार, वीडियो आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ते। सो या ये थी बात, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराती हूँ आपका, फटाक से वीडियो में बढ़ते हैं। तो मैं तो इन पर्सन लाइफ में बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, मैं मोटी लग रही थी सच में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग स्किनी है और साड़ी, क्योंकि पूरी बॉडी हगिंग ड्रेस है, वो टाइटली हग कर लेती है आपकी बॉडी पे, चिपक जाती है और फिर आपका फिगर एकदम टाइटली दिखता है। मतलब ये ना जो पतले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले लगने लगते हैं फिर, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोस मोटे लोग पे बनाते हैं कि हेल्दी लोग पे बनाते हैं कि पतला कैसे दिखे, लेकिन जो लोग पतले उनको हमें लगता है कि उन लोग तो मज़े नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये आप लोग के लिए सोल्यूशन है कि आप साड़ी में कैसे हेल्दी और बहुत यू नो आपको फिगर अच्छा दिख सकता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, दो पेटीकोट्स को पहनना है, उसके ऊपर साड़ी को जैसे ड्रेप करते नॉर्मली वैसा ड्रेप कर लेना है, एंड देयर यू गो। बहुत ईजी तरीका है और इफेक्ट 100% करता है, मैं खुद इम्प्रेस हो गई इससे, मुझे लगा नहीं था बट इसने इफेक्ट किया। अब इसी में थोड़ी क्रिएटिविटी भी है, तो क्या है आपको साड़ी से ही, आप अगर लहंगा वाला लुक चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको दो साड़ी लेना है और दो पेटीकोट लेना है, तो आपको दो पेटीकोट अपने के ऊपर पहन लिए, अब अपन साड़ी से ही लहंगा बनाएंगे। तो आपको ऐसे प्लेट नीचे वाली एक जो फर्स्ट साड़ी लेना है उसको पूरा एज अ लहंगा यूज़ करेंगे हम। तो प्लीट करते हुए आपको पूरा अपने लहंगे की तरह उसको साड़ी को पहन लेना है, एंड दूसरी साड़ी को हम ऐसे दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, साड़ी के बीच से थोड़ा सा बीच, मतलब एकदम सेंटर में नहीं, वहाँ से आपको प्लीट्स करनी है, जैसे कि हम नॉर्मली प्लीट करते हैं, और उसको पीछे की तरफ टक कर देना है। साइड में इस साइड का बचा हुआ कपड़ा होगा उसको सामने ले जाना है, प्लीट करते हुए आपको सामने की तरफ टक कर देना है, और जो इस साइड का बचा हुआ कपड़ा होगा उसको भी प्लीट करते हुए पल्ले की तरह ले लेना है, एंड आपको मिल गया लहंगा वाला लुक साड़ी से। और वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सबसे पहले दो पेटीकोट पहने, उसके ऊपर फिर लहंगा, मतलब साड़ी से ही इतना सारा वॉल्यूम प्लीट वाला लहंगा बनाया हमने, और फिर उसके ऊपर हमने दूसरी साड़ी
साड़ी से प्लीट करते हुए पीछे के साइड में टक किया तो वहाँ पे भी प्लेट्स है, तो पीछे से तो बहुत बल्की हो चुका है, बहुत हैवी हो चुका है ये लहंगा, तो ये आपके यू नो आपके फिगर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर देता है, बहुत अच्छा। आपको कोई यू नो मार्केट से जैसे कैन कैन वगैरह यूज़ करते हैं हम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, अच्छा वॉल्यूम लाने के लिए, नीचे गेयर लाने के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप घर के घर में ये चीज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। वॉल्यूम सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड एक अच्छा तरीका है अपने ट्रेडिशनल वेयर को थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करने का। अभी बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था तो हियर इज़ द वीडियो। आई होप मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी हुई हूँ, आपको पसंद आया वीडियो, आया तो लाइक करो और जो भी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के और मैं जरूर उस वीडियो को करूँगी। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस वन, आई रियली अप्रिशिएट। हम इससे क्लोज आते हैं एक दूसरे के, काफ़ी फैमिलियर फील होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे स्टाइलिश। आप बताओ नेक्स्ट क्या वीडियो करूँ मैं, कमेंट जरूर करना। या सो मिलेंगे वही उस वीडियो में, तब तक लिए स्टे स्टाइलिश।